सुशील मोदी कह रहे हैं कि ललित यादव आ गए, बताइए। सुशील मोदी तो बेरोजगार हैं, अपना पहले निकालें ना, उनकी बहन जो रेखा मोदी जी हैं उनको खोजे ना, उनको सृजन घोटाला में याद करें ना, उस रेखा मोदी जी कौन है। सुरेंद्र यादव और रामानंद यादव और ललित यादव, ललित यादव पर एक भी मुकदमा नहीं है। हाफ पेंट पहन के कैसे भागे थे तो वो अपने कार्यकाल को याद करें ना। सुरेंद्र दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि रामानंद यादव का तूती बोलता था, ललित यादव अपने स्टाफ्स का नाखून खींच लेते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और ऐसे में तमाम जितने आरजेडी और जेडीयू कोटे के मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए अब उनके क्षेत्र के लोग आने लगे। देखिए ललित यादव हैं काफ़ी आरजेडी के प्रसिद्ध नेता हैं, उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर सुबह से ही जो लोग आने शुरू होते हैं वो रुक नहीं रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। ललित जी आप पहले काफ़ी बड़ी भूमिका में रहे आरजेडी में, आपको सचेतक भी बनाया गया, अब मंत्री बनाया गया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो पहले भी बहुत बड़ी थी, अब उससे थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो दोनों जिम्मेदारी तो हम लोग पसंद करते हैं लेना और करते हैं, जिम्मेदारी को हम एकदम। पहले तो हमने ललित यादव को चिल्लाते हुए सदन में सवाल उठाते हुए देखा है। निश्चित रूप से जहाँ सरकार की ओर से कमी थी और सरकार की कोई खामियां थी तो हम लोग भी जनता के प्रतिनिधि और जनता के लिए हम लोग का आवाज़ उठाना वाजिब है, तो हम जनता के लिए सवाल उठाते थे, सरकार से लड़ते थे, सरकार का आँख खोलते थे कि सरकार तुम जागो, ये तुम्हारी गड़बड़ी हुई, जनता के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी को अब जंगल राज बिहार में दिखने लगा कि आप लोग आए हैं तो जंगल राज वालों के साथ नीतीश कुमार क्यों चले गए? देखिए वो अपना जंगल राज याद करें, और अभी तो इस सरकार को चार दिन पाँच दिन हुई भी नहीं है, अभी तो सरकार अपना कार्यभार भी ठीक से नहीं संभाली है, तो हमको लग रहा है बीजेपी को कोई काम नहीं है और लगता है उसको जंगल राज से कम उसको भीतर जो एक इस सरकार बनने से जो तकलीफ है उनके बाद से वो तो बात जाए। वो तो कह रहे हैं कि लोगों को डर लग रहा है। देखिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नीतीश कुमार जी और युवा है तेजस्वी जी दोनों के नेतृत्व में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। डराने वाले वो लोग हैं, जो डराने वाले लोग हैं घर में बिल में छिप जाएंगे, इसीलिए तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते थे मंगल राज, लेकिन इधर मंगल राज होगा। अच्छा, जो वादे आप लोगों ने किए, नीतीश कुमार ने खुले मन से 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा किया, तेजस्वी यादव ने भी नौकरी देने का वादा किया है, पूरा होगा ना? देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि तेजस्वी यादव जी ने ही घोषणा किया था कि हम 10 लाख हम जब भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे तो पहला कैबिनेट में पहला कलम से हम पहला दस्तखत वही करेंगे जो 10 लाख युवा को हम सरकारी नौकरी देंगे। आप देखेंगे उस दिशा में काम भी प्रारंभ हो गया है, सभी विभाग को निर्देश भी हो गया कि जितना रिक्तियां हैं हम एक बार में नहीं हम दो बार में पाट करके हम जो 10 लाख का वादा है उसको सरकारी नौकरी हम देंगे, समय भले जो भी लगे जो प्रक्रिया में लगे और प्रक्रिया में लग गया कमिटमेंट पर पूरा उतरेंगे निश्चित रूप से। देखिए गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया, कभी तो मुख्यमंत्री जी बोलते नहीं थे कि हम नौकरी देंगे 50,000 या 25,000, उस दिन तो क्या 10 लाख से भी हम बढ़ के होगा तो हम 20 लाख रोजगार नौकरी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और बढ़ के रोजगार मिला के कहे कि हम 20 लाख भी हम सरकारी नौकरी और रोजगार मिला के हम 20 लाख भी देंगे। देखिए कुछ करे सवाल हम करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम आपको ललित यादव के घर का माहौल दिखा दें। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फूल गुलदस्ता दे रहे हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं और मिठाई ललित यादव सबको खिला भी रहे हैं। यहाँ तो माहौल ठीक ही लग रहा है, फिर ललित यादव, सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, इन सब का नाम लेकर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देखिए ये लोग आ गए, ये लोग दबंग हैं, बाहुबली हैं। अच्छा आप बीजेपी का आप इतिहास उल्टा लीजिए, सुशील मोदी कह रहे हैं कि ललित यादव आ गए, बताइए। सुशील मोदी तो बेरोजगार हैं, उनको यहाँ से विरोधी दल से हटा दिया, बिहार से उनको सेंटिंग पोस्ट में वहाँ डाल दिया, कुछ चिल्लाएंगे नहीं तो उनको पूछ कैसे बने। ललित यादव सब यादव और राजद ही उनका यानी कोई महत्व मिलेगा, ये समझते हैं कि राजद और लालू यादव के बारे में, लालू यादव के मंत्री के बारे में बोलेंगे तो बिहार में हमको लोग हो सकता है फिर से नेता मान ले या केंद्र में हमको कोई जिम्मेदारी मिल जाए, तो अपनी पूछ के लिए मोदी जी कर रहे हैं। अपना पहले निकालें ना, उनकी बहन जो रेखा मोदी जी हैं उनको खोजें ना, उनको सृजन घोटाला में याद करें ना, उस रेखा मोदी जी कौन है और कैसे कैसे हाफ पेंट पहन के कैसे भागे थे,
तो वो अपने कार्यकाल को याद करें ना, सुरेंद्र यादव और रामानंद यादव और ललित यादव, ललित यादव पर एक भी मुकदमा नहीं है, एक मुकदमा है तेजस्वी जी, जब गोपालगंज में अधिक घटना हो गई, हत्या हो गई, तो तेजस्वी जी ने फरमान किया कि सभी विधायक के साथ हम मार्च करेंगे गोपालगंज, तो हम लोग गोपालगंज उनके आवास गए, भीतर गए। मोदी तो हमने देखा कि सुशील मोदी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि रामानंद यादव का तूती बोलता था, ललित यादव अपने स्टाफ का नाखून खींच लेते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है। देखिए, आरोप लगा देना तो बहुत आसान है, हम लोगों ने तो तेजस्वी जी के आह्वान पर हम लोग गोपालगंज जाना था गए, हम लोग तो भीतर गए, बाहर भी नहीं निकले, फिर भी हम लोगों पर FIR कर दिया, सरकार ने कहा कि लोग लॉकडाउन, यूथ को डरने की जरूरत नहीं है ना, जो बच्चियां, डरने की जरूरत नहीं है, सम्मान के साथ, अधिकार के साथ मंगल राज होगा। ये लोग नकली बोलने वाले लोग हैं, ये लोग, हम लोग जो बोलेंगे करके दिखाएंगे। तेजस्वी जी बोले ना 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, नीतीश कुमार जी घोषणा किए ना हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री गांधी मैदान से, तो हम कह रहे हैं उससे बढ़ के भी काम करेंगे, अभी तो देखने दीजिए। ललित यादव से मिलने में लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, आ सकते हैं? मिलने में क्या, हम लोग ये सुशासन का राज पूरे बिहार में किसी गांव में कायम करेंगे, यहाँ तो डरने की बात कहाँ है, आ सकते हैं मिलने, बात कर सकते हैं। ये तो बीजेपी के फूबिया है, उसको भीतर लग रहा है वो कभी सरकार में अपनी हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़े बीजेपी, लेकिन उसको ये नहीं है, उस सहारा, उनको सहारा छिन गया, अब वो विकलांग हो गए हैं तो विधवा विलाप कर रहे हैं, विधवा विलाप करने से कुछ नहीं होगा, बिहार की जनता 24 में भी और 25 में भी इतना पटकनिया उनको लगेगा कि उनको जगह नहीं मिलेगा, कहाँ हम छिपे, कहाँ छिपे, जगह नहीं मिलेगा। बीजेपी को ललित यादव अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, जो उनके क्षेत्र से आए, कुछ पटना से भी हैं, इन तमाम लोगों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार सरकार में वर्तमान मंत्री बने ललित यादव के घर पे, और उन्होंने क्या कुछ कहा है, बीजेपी को इशारों में चिताया भी है और कह दिया है कि यूथ जितने हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, मंगल राज आया है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। सुशील मोदी कह रहे हैं कि ललित यादव आगे, बताइए। सुशील मोदी तो बेरोजगार हैं, अपना पहले निकाले ना, उनकी बहन जो रेखा मोदी जी हैं उनको खोजे ना, उनको सृजन घोटाला में याद करें ना, उस रेखा मोदी जी कौन है, सुरेंद्र यादव और रामानंद यादव और ललित यादव, ललित यादव पर एक भी मुकदमा नहीं है, हाफ पेंट पहन के कैसे भागे थे, तो वो अपने कार्यकाल को याद करें ना। मोदी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि रामानंद यादव का तूती बोलता था, ललित यादव अपने स्टाफ का नाखून खींच लेते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है। देखिए, आरोप लगा देना तो बहुत आसान है।